जी स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। करते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट। और आप सभी को बताया, जब आप इस क्लास में आते हो तो एक चीज कंफर्म है कि आपको आधे घंटे नहीं पढ़ना, आपको दो घंटे पढ़ना है, 8 से एग्जैक्टली 10 बजे तक। अगर आप 8 से 10 बजे तक एग्जैक्टली पढ़ते हो तो आपको पहले 100 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे, फिर एक क्यूज होगा, फिर आपको दोबारा 70 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे, फिर एक क्यूज होगा। तो यानी कि अपन लोग सीधे सीधे 300 प्लस क्वेश्चन इस क्लास में कर लेते हैं अगर हम 8 से 10 जुड़ते हैं। तो आप सभी के सभी जितने भी बच्चे देख रहे हो, पूरे कंटिन्यूसली देखना इस क्लास को, और बीच में जो लाइव टेस्ट होंगे ये कंपलसरी पार्ट है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। जो भी बच्चा देख रहा है ये कंपलसरी पार्ट है, और मैं आपको हर जगह बता चुका हूं कि आपके पास अनअकैडमी ऐप होनी चाहिए, ठीक है। अनअकैडमी ऐप होगी तो भाई सभी आप क्या है लाइव टेस्ट के बाद क्विज कर पाओगे और इस क्लास के बाद क्विज कर पाओगे। कोड मैं आपको आखिर में दूंगा, ठीक है, दिमाग रखिएगा। बाकी जितने बच्चे देख रहे हैं एक चीज को दिमाग पर रखो, अपन लोगों की क्लास में अगर बफरिंग 1-2 सेकंड की होती है तो उसको झेल लेना भैया, क्लास को मिस मत कराया करो, 1-2 सेकंड की बफरिंग में क्लास में गायब मत होना, ठीक है। चलिए, साथ के साथ फ्री क्लासेस सुबह 9 बजे आपके लिए अनअकैडमी पर अमनदीप शर्मा सर्च करें या इस वीडियो के नीचे लिंक देखें, आपको मिल जाएंगी। और जब आप अनअकैडमी ऐप से जुड़ते हैं तो आपको क्विज भी तभी मिलता है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर ले, काम आएगी आपके, ठीक है। लाइव अमन रेफर कोड यूज करें, आपके लिए लाइव अमन रेफर कोड अब आपके लिए बेनिफिशियल है। देखो यार, पूरे सितंबर मैंने एक भी बार नहीं कहा कि आप कोई कोर्स लीजिए मेरी तरफ से, बिकॉज दैट वाज नॉट दैट बेनिफिशियल। बट नवंबर और अक्टूबर में आपको इसके साथ जुड़ना चाहिए, या ऑर्गेनिक कोर्स 6:30 बजे का जुड़ना चाहिए नवंबर और अक्टूबर में, बहुत बेनिफिट होगा। कैसे जुड़ना है, मेन टैब पे क्लिक करो, मैनेज गोल करो, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करो, मंथ सिलेक्ट करके ये रेफर कोड यूज लगाओ, लाइव अमन, ठीक है, दिमाग रखिए, मेरा रेफर कोड है जिसको आप लगा सकते हैं। चलिए करा जाए सेशन को स्टार्ट, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स पे गुड इवनिंग भाई सभी को, पहुंच चुके हैं सारे के सारे, ठीक है। रफ्तार सर, भाई रफ्तार तो बढ़ जाएगी लेकिन पहले थोड़ा सा बच्चों को आने दो ना, रफ्तार तो तभी बढ़ाएंगे ना भाई, गाड़ी है तो उस गाड़ी में सबको बैठा के तो ना लेके जाएंगे स्पीड में, उसके बाद बीच में रुकेगी थोड़ी रफ्तार, ठीक है। लीजिए चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी रफ्तार क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएं, सुपरसोनिक एयरप्लेन जो है कौन सी साउंड क्रिएट करते हैं, आसान क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सुपरसोनिक जो प्लेन्स हैं वो कौन सी शॉक वेव्स क्रिएट करते हैं, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भाई शेयर करना सेशन को सारे के सारे, क्लास में बच्चे जुड़ने चाहिए, क्विज में सारे बच्चे आने चाहिए, क्विज में एक भी बच्चा मिस नहीं होना चाहिए भाई, सारे के सारे बच्चे आने चाहिए, ठीक है। क्लास में पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, शोक वेव्स जो है वो कौन सी प्रोड्यूस होती है, सोनिक बूम, ठीक है, दिमाग रखिए, सोनिक बूम जो है शोक वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए भाई, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, क्विज के बिना काम नहीं बनता मेरी क्लास में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इट इज कंपलसरी फॉर यू एवरीवन। पीवीसीए का अगर मैं बात करूं तो ये किससे बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड किससे बनता है, इजी क्वेश्चन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है किससे बनता है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है किससे बनता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पीवीसी, यार पीवीसी की बात हो रही थी यार, विनाइल क्लोराइड से बनेगा ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड से बनेगा, एक और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कनेक्ट हो चुका है, जल्दी से आओ इस क्लास में। हाँ जी, सबसे ज्यादा कास्ट आयरन में किसमें, सबसे ज्यादा किसमें, कास्ट आयरन में, ठीक है, दिमाग रखिएगा, सबसे ज्यादा कास्ट आयरन में। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो इसमें से कौन सा नाइट्रस ऑक्साइड है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा है, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा है, जल्दी से बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाइट्रस ऑक्साइड, जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा है। देखिए आंसर क्या है इसका, लाफिंग गैस जो है ना, लाफिंग गैस ना नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, लाफिंग गैस क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 4th के बाद क्वेश्चन नंबर 5th पे आओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए। गुड इवनिंग भाई, शेयर करना सेशन को जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई को रेगुलेट करना चाहता हूं कि भैया मुझे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, उसके लिए मैं इसमें से कौन सा यूज करूंगा, ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा इसमें से प्रोसेस या कौन सा इसमें से ऑब्जेक्ट यूज करने वाला, जेनर डायोड, जंक्शन या गन और टनल डायोड, बताइए किसको यूज करूंगा, ठीक है, आई एम गुड इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से, आंसर क्या है दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर है जेनर डायोड को यूज किया जाता है, किसको यूज किया जाता है, जंक्शन बता रहे हैं बच्चे, इसका आंसर बता रहे जंक्शन,
मेरे दोस्त जंक्शन कुछ भी नहीं होता, बस तीन चीजों को कनेक्ट करता है। जंक्शन क्या होता है किसी भी चीज का, ठीक है, रेलवे जंक्शन जो है क्या होता है, इतने सारी चीजों को कनेक्ट करता है। जंक्शन सिर्फ कनेक्ट करने के लिए दोस्त, ठीक है, दिमाग रखिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जेनर डायोड को यूज किया जाता है, जंक्शन इसका आंसर नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, बैरियम ऑक्साइड इज व्हाट, जल्दी से बताइएगा बैरियम ऑक्साइड क्या है। ठीक है, आपका एक सेकंड का बफरिंग हो सकता है, मैं आपको भी बता रहा हूं, एक सेकंड का बफरिंग हो सकता है, क्लास को स्किप मत करिएगा, जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को स्किप मत करिएगा, एक सेकंड की बफरिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए, जितने बच्चे देख रहे हैं, एक बैरियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, जल्दी से बताइएगा, सबसे ज्यादा लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सबसे ज्यादा लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है। मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूं, जब भी आप लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो ना, तो आप गैस देखते हो कि भैया गैस फॉर्मेट कौन सा है, गैस फॉर्म कौन सा है, तो यार याद रखिएगा फ्लोरीन इज गैस, ठीक है, तो फ्लोरीन इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंक्लूसिव कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग द अदर्स, ये चार कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की, सवाल पूछा गया इस वर्गीकरण में सबसे भीतरी भाग कौन सा है, जल्दी से बताएगा इस वर्गीकरण में, इन चारों वर्गीकरण में सबसे भीतरी भाग कौन सा है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वर्गीकरण में इन सब में से भीतरी भाग कौन सा है, जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। सबसे भीतरी भाग कौन सा है बच्चे, आंसर क्या है इसका दिमाग पर रखिएगा, फाइलम इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल में इनमें से कौन सी चीज नहीं होती, जल्दी से बताइएगा, समकरण जो धातु होते हैं उनमें से कौन सी विशेषता इसमें से नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सी विशेषता नहीं है, कमेंट करिए। इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए संक्रमण धातुओं में कौन सी विशेषता नहीं है, कमेंट करिएगा, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है बच्चे, गेन इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी नहीं है, हमेशा ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिमाग रखिएगा, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, गेन नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, दिमाग रखिएगा, गेन नहीं करते इलेक्ट्रॉन को, लूज करते हैं। और जो बच्चे मेलिबिलिटी बता रहे हैं वो अभी क्यूज होगी ना, उस क्यूज में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको गलत होते हैं, ठीक है, दिमाग रखिएगा, याद रखो जो हमारा क्यूज है वो अभी 70 क्वेश्चन होते ही स्टार्ट हो जाएगा, और बायलिंगुअल क्यूज होगा, फ्री है और कंपलसरी है, सभी के लिए कंपलसरी है। हाँ जी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेस इज व्हाट, क्या है, जल्दी से बताएगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेस क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेस क्या है, कमेंट करेगा, कोकस है, स्पाइरल है, स्पोर है या बैसिलस है, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, मुश्किल क्वेश्चन थोड़ा सा, आंसर क्या है, मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा सा, जल्दी से बताइए, सोच समझ के आंसर देना, आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चे, दिमाग रखिएगा, बैसिलस है, ठीक है, रोग कीट है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ठीक है, बीमारी फैलाने वाला एक कीट का नाम है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, लेप्रेस जो है बहुत फेमस वर्ड में से एक है साइंस का, ठीक है, रोग कीट है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो अस्थियां होती हैं वो किससे मिलती है, जल्दी से बताइएगा, अस्थियां जो होती हैं वो किससे मिलती है, कमेंट करिएगा, बोन ब्लैक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यार शेयर भी करो सेशन को सारे के सारे, शेयर भी करो सेशन को सारे के सारे, बिकॉज अपन लोग अभी क्विज करेंगे उसमें कंपटीशन चाहिए मुझे, आंसर क्या है, हमें अस्थियां किससे मिलती है, पहली बात तो मरे हुए लोगों से मिलती है, लेकिन फिर भी, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ बोन्स, हड्डियों के विनाशीकरण अश्वन से मिलती है, ठीक है, दिमाग रखेगा भैया, नमस्कार भाई, नमस्कार, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इसी बात पे क्या है इसका आंसर, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, काला जार जो है, ठीक है, इट इज अ डिसीज, इसका वेक्टर क्या है, कहने का मतलब है काला जार जो है किससे फैलता है, सवाल ये पूछ रहा है, काला जार जो है किससे फैलता है, कमेंट करिएगा, दिस डिसीज, ठीक है, किससे फैलती है, जल्दी से काला जार जो है किससे फैलती है, कमेंट करिएगा, वेक्टर सोर्स क्या है, वेक्टर मतलब किस चीज को लेके जाने वाला, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वेक्टर सोर्स क्या है, दिमाग रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, सैंडी फ्लाई इज द वेक्टर ऑफ कालाजार, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये वेक्टर के क्वेश्चन आते हैं 100%, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, याद रखिएगा, आज के लाइव क्यूज में मैं आपसे डिसीज के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछूंगा, डिसीज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे बायलिंगुअल आज के लाइव टेस्ट में, जो 70 क्वेश्चन के बाद होगा, कोड मैं आपको स्क्रीन में देने वाला हूं, ठीक है, सभी ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लिए इस चीज की मुझे उम्मीद है, क्योंकि लाइव टेस्ट फ्री होता है और क्यूज भी फ्री होता है। नेम अ गैस विच इज यूज इन मेकिंग क्लोरोफॉर्म, मीथेन गैस को यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है,
रेड ऑरेंज येलो कलर जो है लीफ का, बहुत प्यारा क्वेश्चन यार, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन है प्लांट का, ठीक है, प्लांट किंगडम का। पत्तियों का लाल, संतरी और पीला कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है? एक लाइन का स्टेटमेंट है लेकिन भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। पत्तियों का लाल, पीला और संतरी कलर किसकी वजह से होता है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग रखिएगा। कैरोटीनाइड की वजह से होता है, ठीक है, आपने एक वर्ड सुना है कैरोटीन, ठीक, कैरोटीनाइड की वजह से होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है, दिमाग रखिएगा। हाँ जी, फ्लोरोसेंट लैंप में सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? इजी क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट लैंप में एक सेकेंडरी सोर्स पूछा जाए कि भैया हम जो फ्लोरोसेंट लैंप जो यूज करते हैं उसमें सेकेंडरी, ठीक है, उसके अलावा लाइट किससे मिलती है फ्लोरोसेंट लैंप में? किससे मिलती है? उसका जो कोटिंग होती है ना, बाहर की परत जो होती है उससे मिलती है। एक और क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन किसके द्वारा दिया गया था? प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था। इजी क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखो यार, अगर क्लास में बफरिंग होगी ना, आप क्लास में बफरिंग होती है तो आप एकदम से स्किप करते हो, तो भैया कुछ नहीं करना, दोबारा अगर आपको रिटर्न इस क्लास में करना है 2-3 मिनट में, अगर आप स्किप करते हो तो आप जीके विद अमन सर दोबारा सर्च करोगे तो आपको मेरी ही क्लास लाइव मिलेगी। अभी लाइव टेस्ट होगा उसके लिए भी जीके विद अमन सर, मतलब मुझसे यूट्यूब पे जुड़ने के लिए यूट्यूब पे बस एक बार सर्च करो जीके विद अमन सर, ठीक है, आपको मेरी क्लास मिल जाएगी। ये नहीं करना, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे क्योंकि ना हमें समझना पड़ेगा उसे टिपिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर राइपनिंग द मैंगो? आम को पकाने के लिए सबसे ज्यादा कौन सा जो है केमिकल यूज किया जाता है? आंसर क्या बच्चे, दिमाग पर रखे, इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बाइड यूज किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड यूज किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड आम को पकाने के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा। देखिए ये जो COOH है इसमें से अगर ये OH ग्रुप को हटाना है, ठीक है, क्लोरीन को यूज करके, तो हम क्या यूज करेंगे, कौन से कंपाउंड को यूज करेंगे? ठीक, क्लोरीन को यूज करके हमें इसमें से OH ग्रुप को हटाना है तो कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे? ठीक है, आंसर क्या है बच्चे, PCl5 को यूज करेंगे। देखो क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन जो है रिएक्टिव है बहुत ज्यादा, जब रिएक्टिव है तो ना किसी को भी हटा देगा, सब्स्टिट्यूशन कर सकता है क्लोरीन, सब्स्टिट्यूशन मतलब हटाना। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें नहीं होगा, जल्दी से बताएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें नहीं होगा? देखो यार, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि यार कार्बन के साथ एच इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, बिल्कुल सही, इधर भी लगा हुआ, लेकिन यार एच के साथ एच का कोई बॉन्ड नहीं है। अब जब एच के साथ एच का कोई बॉन्ड नहीं है तो यार हाइड्रोजन बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं है, CH4 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर? शेयर करना सेशन को, अभी लास्ट में जो क्विज होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको बस क्या करना है, मेरे प्रोसीजर को फॉलो करो, सिलेक्शन पक्का है, 100 क्वेश्चन यहाँ पे क्विज में, 50 क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो 50 क्वेश्चन, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं है भैया, डायरेक्ट आएंगे पेपर में क्वेश्चन उसके। कैल्विन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, टेम्परेचर मेजर करना मेटलर्जिकल फर्नेस, मेटलर्जिकल फर्नेस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसको पायरोमीटर से मेजर किया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाँ भाई, हैप्टेन्स आर व्हाट? जल्दी से बताएगा, हैप्टेन्स क्या है? नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्ड देख के आपको पहली बार तो पता ही नहीं होगा हैप्टेन क्या है, अब पता चल जाएगा। व्हाट इज हैप्टेन? हैप्टेन है क्या, कमेंट करिएगा, व्हाट इज हैप्टेन? हैप्टेन क्या होता है, कभी अगर आपने सुना हो तो हैप्टेन क्या है जल्दी से बताएगा। हैप्पीनेस क्या है दोस्त, दिमाग में रखिएगा, हैप्पीनेस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इनकम्प्लीट एंटीजन जो होते हैं ना, एंटीजन एंटीबॉडी के आपने बारे में सुना होगा, अगर एंटीजन इनकम्प्लीट है तो उसको हैप्टेंस कहा जाता है, ठीक है, दिमाग रखिएगा। नए क्वेश्चन है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऐसे क्वेश्चन अभी मैं क्विज में पूछने वाला हूँ विद बायलिंगुअल लैंग्वेज, आपको क्विज देना है, जरूरी है, कोड आपकी स्क्रीन पे होगा, अनअकैडमी ऐप पे जाइएगा और कोड यूज करिएगा, ठीक है, कंपलसरी कॉम्पिटिशन होता है उसमें, ठीक है, दिमाग करके। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ साउंड का इफेक्ट किस पे, किसका नहीं होता, जल्दी से बताएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड का, ठीक है, इंपैक्ट जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है, किसका कोई भी असर नहीं होता वेलोसिटी ऑफ साउंड पे, आंसर क्या बच्चे, प्रेशर का कोई असर नहीं होता, जल्दी से बताइएगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या हो जाती है, कमेंट करेगा,
एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या हो जाती है? क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर मैंने आपको पहले ही बता रखा है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का पहला आंसर होता है जीरो वॉल्यूम, जीरो वॉल्यूम हो जाएगी, पहली तो बात यह है। दूसरा, ठीक है, मॉलिक्यूल मोशन जो है सीज हो जाता है, मॉलिक्यूल का जो मोशन होता है ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोशन सीज हो जाता है, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से ये नहीं करना, जल्दी से बताया इस क्वेश्चन का आंसर। लोग जो इज अ पैथोलॉजिकल, ठीक है, पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जल्दी से बताओ। जलबंधक जो है एक विकट स्थिति है जो कि कौन सी डिसीज में होती है, कमेंट करिएगा कौन सी डिसीज में ये प्रॉब्लम होती है। डिसीज के क्वेश्चन में आज क्यूज में बहुत पूछूंगा, बिकॉज कोरोना वायरस चल रहा है, साइंस के अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें डिसीज के क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो आज के क्यूज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, आज के क्यूज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज के ऊपर होंगे, ठीक है, दिमाग रखिएगा। आंसर क्या है, लॉक जो आपने सुना होगा, ठीक है, दिमाग रखे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, चलिए इसका आंसर ना टेटनस मत लगाइएगा, टेटनस मत लगाइएगा, पैरालिसिस लगाइएगा इसका आंसर, ठीक है, दिमाग रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेटिव लॉ डज रॉकेट वर्क, रॉकेट किस पे काम करता है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या है, रॉकेट किस पे काम करता है, लीनियर मोमेंटम पे काम करता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मोह स्केल, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मोह स्केल किसके लिए यूज में आता है, जल्दी से बताएगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर, मोह स्केल किसके लिए यूज में आता है, इजी क्वेश्चन है, मोह स्केल किसके लिए यूज में आता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो दिमाग में रखिएगा, मोह स्केल क्या करता है, दिमाग में रखिएगा, मिनरल जो है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, जो मिनरल है उसकी हार्डनेस को डिफाइन करता है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, मिनरल की हार्डनेस को डिफाइन करता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताएगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है अर्थक्यूक को मेजर करने के लिए, अर्थक्यूक को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बड़ा आसान है, अर्थक्यूक से रिलेटेड है ये वर्ड, सेस्मोग्राफ, तो सेस्मोग्राफ इसका आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बच्चे जो मैं पढ़ा दूं वो आपको क्विज में आ जाए तो फिर आपको किसका फायदा क्या है, मुझे बताओ, मैं आपको पढ़ा दूं, अभी मैं क्वेश्चन करा दूं, वो क्विज में आ जाए तो किसका फायदा क्या, अलग ही आने चाहिए ना, इसलिए क्वेश्चन अलग होते हैं यार, 100 क्वेश्चन इधर, 50 क्वेश्चन इधर, 150 क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, इसलिए मैं कभी सेम क्वेश्चन नहीं देता क्विज में, क्विज में सारे क्वेश्चन अलग होते हैं, चैप्टर अलग होते हैं, जरूरी है वो चीज, ठीक है, दिमाग रखिएगा। हमारे टेलीविजन में कौन सी वेव होती है, इंफ्रारेड वेव होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आई आर वेव, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर, हाँ जी, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर यूज करते हैं, इजी क्वेश्चन हुआ, हाँ जी, वेयर डज द कैबेज स्टोर फूड, जल्दी से बताएगा, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएगा, ठीक है, कैबेज में जो फूड होता है वो किस में होता है, जल्दी से बताएगा, पूरे कैबेज में फूड क्या होता है, ठीक है, जो गोभी होती है, कैबेज जो होती है उसमें फूड कहां पर होता है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा, ठीक है, आंसर क्या है बच्चे इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है बच्चे इसका, दिमाग पर रखे, लीव्स में जो गोभी होती है उसमें लीव्स में ही होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, भाई ये सुबह क्लास होती है, देखा करो, सुबह की क्लास 10 मिनट की है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिमाग रखे, इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, जल्दी से बताएगा, इन सब में से लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, जल्दी से बताएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, देखो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, आर्गन का है। मैं हमेशा कहता हूं जब भी किसी चीज का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो उसका गैस फॉर्म देखो, ठीक है, तो आर्गन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको, पुराने क्वेश्चन पूछता रहा हूं तो आपको बेनिफिट कोई नहीं होगा, इजी क्वेश्चन, इसलिए थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इसमें। मोस्ट इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है, जनरेशन ऑफ पावर, ठीक है, हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल कौन सा है, आंसर क्या बच्चे, कोयले से हमारे देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्लांट है ना हमारे देश में सबसे ज्यादा, तो इस वजह से इसका आंसर क्या है, ये है, हाँ जी। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है, इजी क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 39 क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है, ठीक, क्लोरोफिल में कौन सा, मैग्नीशियम इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, सुपर कूलिंग जो कंडीशन आती है ये कौन से टेम्परेचर या कौन से पॉइंट पे आती है, ठीक है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। भाई क्विज का जो टाइमिंग है ना
वो मैं आपको एग्जैक्टली बताता नहीं हूँ क्योंकि आप फिर आप समझने नहीं आते, क्विज करोगे तभी बेनिफिट होगा, लेकिन क्विज से पहले सीखना पड़ेगा आपको। जब भी 100 क्वेश्चन हो जाएंगे ना तभी आपको क्विज का कोड मिल जाएगा कंपलसरी। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी अगर इंक्रीज करनी है तो क्विज करो, क्लास के लास्ट में होता है, फ्री होता है और इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। आंसर क्या इसका, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट से जस्ट नीचे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बिल्कुल आसान है। जॉन्डिस जो है उसका किस पे इंपैक्ट पड़ता है, जल्दी से बताएगा जॉन्डिस का इंपैक्ट किस पे पड़ता है। डीसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है बच्चे दिमाग पर रखिएगा, लीवर पे ऑब्वियसली लीवर पे फर्क पहुंचता है, ठीक है, दिमाग रहे जॉन्डिस का इंपैक्ट पड़ता है लीवर पे। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, मिल्क में से क्रीम कैसे मिलती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम ना दें इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन में से, ठीक है, दिमाग रहे ये नहीं करना क्वेश्चन, जल्दी से बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जिम्नोस्पर्म, जल्दी से बताए कौन सा स्टेटमेंट जो है जिम्नोस्पर्म के लिए सही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चे, वस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। वस्कुलर बंडल जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको इन सब चीजों को और थ्योरेटिकली पढ़ना है तो आप मेरे कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं, रेफर कोड लाइव वुमन, कंप्लीट थ्योरी पढ़ सकते हैं आप इन सब की, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब की, ठीक है, दिमाग रखेगा। या तो आपको क्विज में जब मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता हूं उसमें आपको एक्सप्लेनेशन इसकी मिलेगी मिलेगी, ठीक है, दिमाग रखेगा। वैसे आपको इसके लिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। हाँ जी, एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, इसमें से कौन सा उदाहरण है, ठीक है, जमीन के अंदर ये स्टेम होती है लेकिन इसे हम खा सकते हैं, जल्दी से बताइए कौन सी है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। जमीन के अंदर ये स्टेम होती है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, इसको हम खा सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या है बच्चे इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है इसका, जिंजर इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए यार, वो जो क्वेश्चन है ना टेटनस का, लोक जो का, मैं एक बार ना उसे कंफर्म करूंगा, ठीक है, लोक जो का जो क्वेश्चन है ना, लोग जो का एक बार मैं क्वेश्चन कंफर्म करूंगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है टेटनस और, ठीक है, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया उसमें डाउट है उसको कंफर्म कर लेंगे, लोग जो वाले क्वेश्चन को, ठीक है, उसको अभी स्किप रखना, ठीक है, लोग जो वाले क्वेश्चन को कंफर्म कर लेंगे एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं करना है, करे हुए क्वेश्चन है, ये नहीं करने जो करे हुए हैं। हाँ जी, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है अर्थ को देखने के लिए कौन सा टेलीस्कोप यूज होता है, जल्दी से बताएगा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कौन सा टेलीस्कोप, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 47 क्वेश्चन का आंसर, जहां तक मुझे ख्याल है जो वही आंसर है, लेकिन अगर टेटनस होगा तब भी देखूंगा मैं पहले, फिर ही कंफर्मली बताऊंगा उसका। टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप इसका आंसर है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, जल्दी से बताएगा, मादक किण्वन में लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा, मादक किण्वन में सबसे लास्ट में क्या मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है, आंसर क्या बच्चे इसका, प्रायोविक एसिड मिलता है। एक और क्वेश्चन देखे यार, शेयर करो, ठीक है, शेयर करो, जल्दी से बताएं, ठीक है, ये नहीं करना है क्वेश्चन, करा हुआ है पहले भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज सिस्टम, ठीक है, चाय की केतली, ठीक है, इट इज अ क्लोज सिस्टम उसमें से, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्लोज सिस्टम का बता रखा है पहले भी। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर, रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लीनियर मोमेंटम पे काम करता है, पहले हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। आसान क्वेश्चन है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएगा। जितने बच्चे इधर देख रहे हैं ना, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मे बी टेटनस वाला देख लेते हैं, उसका टेटनस की कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेंगे एक क्वेश्चन, लेकिन 100 के 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, और जो अभी क्विज में आएंगे ना वो बिल्कुल अलग क्वेश्चन होंगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कौन सा एसिड है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिबरेट करता, जल्दी से देखा, कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट नहीं करता, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या बच्चे इसका, कार्बोनिक एसिड इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, हो चुका है क्वेश्चन, स्किप करवा रहा हूं, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ये भी हो चुका है, विच साइंटिस्ट गेव द लॉ ऑफ मोशन, इजी हो चुका है, स्किप करवा रहे हैं, न्यूटन। एक और क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। देखो अब मैं आपके लिए वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सी प्रोसेस है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस है, कमेंट करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यार क्लास में आते हो कंटिन्यूटी बनाया करो, लाइव टेस्ट इस क्लास के बाद क्विज दिया करो, तभी बेनिफिट है आपके क्लास में आने का। आंसर क्या है, जो भी नया बच्चा है दिमाग पर रखना, क्विज करके जाना, आज सीख लो क्योंकि हर क्लास मिलेगा।
नाइट्रोजन जब अमोनिया में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जब अमोनिया में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, दिमाग रखिएगा। हाँ जी, दोबारा लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, दोबारा गैस फॉर्म देखेंगे ज़ेनॉन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, कौन सी रिएक्शन हुई, जल्दी से बताएगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, आंसर क्या है? देखो दोस्तों, हीट प्रोड्यूस होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, डेंगू स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता भैया। ठीक है, दिमाग रखिएगा, मच्छर से ऑब्वियसली, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता, छोड़ेंगे। लाइट स्कैटरिंग किसमें होगी, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए। स्पीड में आंसर दो यार, मेरी क्लास में ऐसे ढीले पढ़ के आंसर मत देना। मैं एक क्वेश्चन पे 15 मिनट नहीं लगाने वाला, 15 मिनट में, ठीक है, अपने 20 से लेके 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, 15 मिनट में 20 से लेके 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो भैया स्पीड में आंसर दो यार। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं, लाइट स्कैटरिंग जो होती है ना, प्रकाश का बिखराव जो होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन में होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विदर फॉलोइंग इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डायनामाइट, डायनामाइट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या है, डायनामाइट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं। ठीक है, आंसर क्या है, एनर्जेसिक, किसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, अगर सेल और टिश्यू, जो हमारे कोशिका है, जो उतक है, एक जीवित शरीर में अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस पूरे फंडे को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएगा। अगर एक जीवित कोशिका या उतक मृत्यु हो जाती है जीवित शरीर में, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या है उसको, हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, दिमाग रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा। हाँ जी बताएं, पके हुए अंगूर में क्या होता है। अब ये ना खेलने वाला क्वेश्चन है भाई, ये ऐसे क्वेश्चन मैं किस में आपको आज देने वाला हूं कि भैया अगर एक अंगूर पका हुआ है तो उसमें कौन सा शुगर होगा, उसमें कौन सा शुगर होगा। देखो खेलने वाली चीजें हैं कि भैया फ्रुक्टोस है, सुक्रोस है, गैलेक्टोस है, क्या है, जल्दी से बताइए कौन सा शुगर होगा। आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर क्या है, फ्रुक्टोस होता है, क्योंकि यार इट इज अ फ्रूट। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, कितनी आइडिया होती है, आसान क्वेश्चन छोड़ेंगे, 206। हाँ जी, प्लांट का प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। प्लांट का प्राइमरी न्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा है, कमेंट करिएगा, प्लांट का प्राइमरी न्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा, आंसर क्या है दोस्त। ठीक है, एनपीके याद रखो, क्या याद रखो, एनपीके याद रखो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एनपीके याद रखना आ सकता है क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक था। हाँ जी, अगर मैं एक आवाज को सुन सकता हूं तो मुझे उसका पता चल जाएगा, ये आवाज कहां से आ रही है, कैसे पता चल जाएगा कि ओवरटोन क्या है। ठीक है, ओवरटोन क्या है, बहुत तेज आवाज कैसे आती है तो वो भी पता चल जाता है, बहुत धीरे कोई बोलता है तो वो भी पता चल जाता है। ठीक है, दिमाग पर रखेगा, लेकिन आपके कान जो होने चाहिए थोड़े से क्लीन होने चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रैबीज इज वर्ड, बड़ा आसान क्वेश्चन है, वायरस है। ठीक है, रैबीज इज अ वायरस डिसीज, देखो डिसीज के क्वेश्चन में ज्यादा, देखो मैं नए नए चैप्टर फोकस कर रहा हूँ आपकी क्लास में, पुराने क्वेश्चन तो कुछ होते हैं लेकिन नए चैप्टर जरूर फोकस कर रहा हूँ, क्विज में भी ऐसा ही करूंगा, नए चैप्टर फोकस करूंगा, जिससे आपका ओवरऑल सारे कंसेप्ट क्लियर होते रहे, क्वेश्चन आते रहे, नजरों से क्वेश्चन जाना जरूरी है भैया पेपर से पहले। तो चैप्टर आपको डिसीज के मिल रहे हैं, तो आपका आज डिसीज का चैप्टर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्विज भी देखिएगा एक बारी, क्विज भी करिएगा, फ्री होगी वो क्विज भी, जरूरी है चैप्टर सारा कवर करना है तो। ठीक है, फोर्स कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्स को हम किस बेसिस पे डिफाइंड करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे डिफाइंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे डिफाइंड करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, ये नहीं करना, करा हुआ, कोई भी ड्रॉपलेट की अगर मैं बात करूं तो यार वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, किस वजह से स्फेरिकल शेप में होता है, कमेंट करिएगा किस वजह से, आंसर क्या है इसका, एक्टिव हो जाओ मेरी क्लास में थोड़ा सा और सेशन को शेयर करो, आंसर क्या बच्चे, सरफेस टेंशन की वजह से। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये नहीं करना, करा हुआ भाई, लाइव टेस्ट जरूर देना, जो भी बच्चा देख रहा है, करंट अफेयर अगर स्ट्रॉन्ग करनी है दोस्तों, करंट अफेयर अगर स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है, तो लाइव टेस्ट जरूर देना, मेरा लाइव टेस्ट पूरा का पूरा करंट अफेयर पे बेस्ड है, और करंट अफेयर के बिना काम नहीं बनता, मैं लाइव टेस्ट 9:30 बजे कराता हूँ, 9:30 बजे आप सर्च करो जीके विद अमन सर, आपको लाइव टेस्ट मिल जाएगा। प्लांट सेल किसका बनता है, सेलुलोज का बनता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ जी, बॉडी डिफेंस का काम कौन सा करता है, जल्दी से बताएगा, ठीक है, आंसर क्या, WBC इसका आंसर है, आउटर मोस्ट, सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है, सन की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, सन की
ठीक है। बाहरी परत को क्या कहा जाता है दोस्त, दिमाग पर क्या, सन की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है, जिसने सबको ठीक है परेशान करके रखा है। हमारा जो अभी का पीरियोडिक टेबल है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे फंक्शन कर रहा है, तो यार बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि परमाणु जो क्रम है उस पे, ठीक है, एटॉमिक नंबर पे हमारा पीरियोडिक टेबल बेस्ड है, कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमारे पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद आपको लाइन पता है अगर आप वैष्णो माता गए हो तो। ठीक है, जल्दी से बताएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजीनियस, जल्दी से बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है। हाँ जी, इसमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, कमेंट करेगा, सोच समझ के बताओ, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अपने क्वेश्चन होने वाले हैं 100, अपना क्विज स्टार्ट होने वाला है, क्विज मैंने क्रिएट कर दिया है, 100 क्वेश्चन होते ही क्विज कराऊंगा, फिर लाइव टेस्ट में आना, कंपलसरी चीजें जो है वो करो यार, काम आएंगी, क्विज करोगे, जो भी नया बच्चा है इस चीज को दिमाग में रखना, अपनी क्लास कंप्लीट नहीं होगी, 50 क्वेश्चन तभी होंगे जब आप क्विज कंप्लीट करोगे। ठीक है, दिमाग रखिए, रैंकिंग जरूरी है, स्कोर जरूरी है। आंसर क्या है, मेथनॉल एंड वाटर इसका आंसर है। हाँ जी, सेमीकंडक्टर में क्या यूज होता है, जर्मेनियम यूज होता है। ठीक है, रेडियम इसका आंसर नहीं है दोस्त, ठीक है, दिमाग रखिएगा, इसका आंसर जर्मेनियम ही है, ठीक है, दिमाग रखिएगा। हाँ जी, ओजोन की आउटर मोस्ट लेयर किससे डिप्लीट हो रही है, इजी क्वेश्चन, ओजोन की आउटर मोस्ट लेयर किससे डिप्लीट हो रही है, दिमाग रखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। एक और क्वेश्चन देखिएगा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में मैं डिफरेंस पता करूं तो भैया कैसे पता करूं, आप बताओ कैसे पता कर दूं, जल्दी से बताएगा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है, कैसे पता चलेगा। धाकड़ क्वेश्चन रख रहा हूं, किसमें 50 के 50 धाकड़ क्वेश्चन होंगे, करने जरूरी हैं, आप अगर अच्छे तरीके से करते हो तो उसके कॉइंस आपके कोर्सेज में काम आएंगे। ठीक है, दिमाग रखिए, कोर्सेज ज्वाइन करने में काम आएंगे। चलिए, चलिए, किस क्रिएट कर दिया है, आंसर क्या है, साइज ऑफ लेंस। ठीक है, करते हैं पहले 100 क्वेश्चन यहां पे पूरे करते हैं, 20 क्वेश्चन बचे हैं, पहले कर लो इन 20 क्वेश्चन को। ठीक है, जल्दी से स्पीड में करेंगे 20 क्वेश्चन, टाइम ज्यादा नहीं अपने पास, अपन लोग 20 क्वेश्चन स्पीड में कर लेंगे। ठीक है, चलिए, आंसर क्या है, बायोकैटलिस्ट क्या होता है बच्चों, दिमाग को रखिए, एंजाइम होता है, बायोकैटलिस्ट एंजाइम होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं है। ठीक है जी, कौन सा मिक्सचर नहीं, यार सोचो, थोड़ा सा आसान है सोचना, क्या मरकरी इसमें मिक्सचर नहीं है, जल्दी से बताएगा। एक कैटलिस्ट सबसे बेहतरीन उम्दा परफॉर्मेंस, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, उम्दा परफॉर्मेंस जो है वो कब देता है, जल्दी से बताएगा। कैटलिस्ट जो है अपनी कैटलिस्ट एक्टिविटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब करता है दोस्त, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे करता है अपनी सबसे ज्यादा। ठीक है, ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएगा, यार ये कर रहा हुआ अभी हो गया था। जीके विद अमन सर सर्च करना, लाइव टेस्ट जरूर देना, इस क्लास के बाद क्विज जो होगा उसके बाद लाइव टेस्ट होगा, एग्जैक्टली 9:30 बजे सर्च करेगा यूट्यूब पे, जीके विद अमन सर। कभी भी मेरी क्लास देखनी हो, ये 8 बजे वाली क्लास और ये क्लास, दो क्लास देखो, 8 से 10 पढ़ो, अपना पूरा फुल हो जाएगा। ठीक है, दिमाग रहे, अपना फुल हो जाएगा। ठीक है, कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए लाइव अमन रेफर कोड यूज करिए, मायोपिया जिसमें हम दूर की चीजों को ढंग से नहीं देख पाते, इनएबिलिटी टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये है मेरा कोर्स का कोड, जब भी आप मेरे किसी भी कोर्स में जुड़ोगे तो अनअकैडमी पे लाइव अमन रेफर कोड यूज करेगा। आसान क्वेश्चन, बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो भैया वो एक्सेलरेशन सेम रहेगा, चाहे कहीं पे भी फेंको, ठीक है, पहाड़ पे चढ़ के फेंको या जमीन पे चढ़ के फेंको, जमीन पे क्यों चढ़ोगे यार, जमीन पे तो होते हो, इसी बात पे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। एंजाइम कौन से टेम्परेचर पे खत्म हो जाते हैं, लास्ट 13 क्वेश्चन, उसके बाद धमाकेदार कंपटीशन से बड़ा, आपको जिसमें कॉइन्स मिलेंगे, जिसमें आपको रैंकिंग पता चलेगी, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, जो आपका एग्जाम समझो, वो क्यों स्टार्ट होने वाला है। एंजाइम हाई टेम्परेचर पे होते हैं, अगर क्वेश्चन देखिए, एंजाइम हाई टेम्परेचर पे खत्म हो जाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या, इस क्वेश्चन का आंसर, विद द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में हम क्या यूज करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, हेलोन्स को यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में, इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक लाइन का क्वेश्चन है, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है, दिमाग रखेगा, इनर्ट गैस आर, जल्दी से बताएगा क्या कंसेप्ट यूज होगा, क्या स्टेटमेंट सही होगी इसके लिए, इनर्ट गैस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, जल्दी से बताएं। लास्ट के 11 क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे, फिर आपका क्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केमिकल अनरिएक्टिव, चलिए, एक इनर्ट गैस केमिकली अनरिएक्टिव होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है, टेटनस वाला क्वेश्चन मैं देख लूंगा, बाकी सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल आप याद कर लें। ठीक है, दिल में बसा लो क्वेश्चंस को,
क्विज में जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी दिन में बसा लेना, क्वेश्चन इतने कर देंगे मजा आ जाएगा, ठीक है, दिमाग रखेगा। हाँ जी जल्दी से बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर एंड कैल्शियम इन वॉटर। प्लांट में कैल्शियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, कौन सा एलिमेंट होता है जो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, आंसर क्या है दोस्त दिमाग में रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बोरोन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा, ये नहीं करना, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन में नहीं आता। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डन जो है किसके द्वारा अरेंजमेंट की गई, मोस्टली के द्वारा की गई, आसान क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन बचे हुए। हाँ जी, एज से रिलेटेड कौन सी ब्रांच है जो कि एज से रिलेटेड है, जेरेंटोलॉजी है, बहुत बारी पढ़ लिया, क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ये भी हो चुका है, क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। हाँ जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, साउंड वैक्यूम से कभी पास नहीं होता, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। रेलवे लाइव टेस्ट करना है 9:30 बजे एग्जैक्टली, ठीक है, दिमाग पर रखे एग्जैक्टली। मैं एक चीज कहता हूं, 8 से 10 पढ़ना है, इसमें चाहे कुछ भी हो हर चीज कंपलसरी है, एक जगह पढ़ लो उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर। हिमाचल प्रदेश में जो हॉट स्प्रिंग जो जमीन के नीचे से निकलते हैं, जब जमीन के नीचे से ही निकलते हैं, तो मैं इसे जियो थर्मल एनर्जी ना कह दूं, ठीक है, इसे मैं जियो थर्मल एनर्जी ना कह दूं, कह देते हैं, ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी इसका आंसर है। ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से बताएगा, ठीक है, कैपिटल जी की बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है। अब भैया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है कौन सी एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, दिमाग में रखिएगा, किस पे डिपेंड नहीं करता, सम ऑफ देयर मासेस पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज प्रोडक्ट होता है वहां पे, ठीक है, दिमाग रखिएगा, वहां पे मल्टीप्लीकेशन होती है मासेस की, क्या मल्टीप्लीकेशन होती है मासेस की, सम नहीं होता, इसलिए सी स्टेटमेंट, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जल्दी से 2 क्वेश्चन के बाद कोड लेना, कोड लेने के बाद अनअकैडमी ऐप पे जाना, स्कोर जितना करोगे उतने कॉइंस आपके बनेंगे, और उसका रिजल्ट मैं आपको लाइव टेस्ट में बताने वाला हूं, आपको वैसे भी स्क्रीन पे पता चल जाएगा, रिजल्ट जरूरी है, रैंक जरूरी है, 500 बच्चों में से आपकी रैंक 500 आती है, एक आती है, डजंट मैटर, अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है, दिमाग रखें पूरे क्वेश्चन को। विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेव इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, साउंड वेव इज डिफरेंट, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्यों स्टार्ट। नॉट अ कोलॉइड, कौन सा कोलॉइड नहीं है दोस्त, जल्दी से बताइएगा कौन सा कोलॉइड नहीं है, कमेंट करिएगा कौन सा कोलॉइड नहीं है, आंसर क्या, आंसर क्या बच्चे इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है, क्लोरोफिल इज नॉट अ कोलॉइड। याद रखना, जो भी बच्चा नया है इस क्विज को जरूर देना, ये कंपलसरी पार्ट है हमारी क्लास का। आज का कोड क्या है क्विज का, 254809, आज का कोड क्या है, 254809, आज का कोड है 254809, कंपलसरी पार्ट है हमारी क्लास का, ठीक है। पहली बात तो यार फ्री हो रहा है, अनअकैडमी पे फ्री हो रहा है, दूसरी बात 50 क्वेश्चन इतने वर्दी हैं कि आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, इतने वर्दी क्वेश्चन है, ईमानदारी से इतने वर्दी क्वेश्चन है, फ्री। अगर आप स्कोर अच्छा करते हो तो आपको कॉइंस मिलेंगे, स्कोर ज्यादा स्पीड में आंसर दोगे तो कॉइंस मिलेंगे, जो कि आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाते हैं, आपके अनअकैडमी प्रोफाइल में डायरेक्टली आ जाते हैं, कोर्स कॉइंस आपके कोर्सेज को लेने में हेल्पफुल होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, रैंकिंग जो मिलती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप रैंकिंग लाओगे मुझे पता चलेगा, मैं आपको उसी तरीके से गाइड करूंगा। सारे के सारे अनअकैडमी ऐप पे जाओ और आज का कोड यूज करो, पूरे 10 मिनट बाद मैं किसको स्टार्ट करूंगा, पूरे 10 मिनट बाद मैं किसको स्टार्ट करूंगा, कोई एक बच्चा भी स्किप मत करना, बायलिंगुअल होगा पूरा का पूरा। ज्वाइन कैसे करना है, अनअकैडमी ऐप ओपन करो, पहले जाके क्या करो, अनअकैडमी ऐप ओपन करो, ईजी है काम पूरा, मेन टैब पे क्लिक करो, ये मेन टैब है 3 लाइन, मेन टैब पे दोस्त जब आप क्लिक करोगे ना, आपको ना प्लस का ऑप्शन मिलेगा, किसका मिलेगा ऑप्शन, प्लस का ऑप्शन मिलेगा, गोल कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बस प्लस पे क्लिक कर लेना, स्क्रीन आपकी ये आएगी, ठीक है, प्लस पे क्लिक कर लेना, ये स्क्रीन आ जाएगी। जब आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे ना, तो ये टेस्ट का ऑप्शन मिलता है, टेस्ट पे क्लिक करने के बाद, टेस्ट पे क्लिक करने के बाद ज्वाइन किस पे क्लिक करना, यही आपका पॉइंट है जहां से आपको कोड को यूज करना है, कोड को यूज करना है ज्वाइन किस पे, 254809 फ्री है, कॉइंस मिलेंगे, रैंकिंग मिलेगी, 15 मिनट का क्यूज है, कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है, दिमाग रखिए कंपलसरी है, 10 मिनट में स्टार्ट करा रहा हूं, उम्मीद है सारे पहुंचेंगे। अनअकैडमी ऐप ओपन करो सभी के सभी, जल्दी से, ठीक है, सारे के सारे ओपन करो और शेयर भी कर देना यार, 10 मिनट में आप शेयर भी कर सकते हो हर जगह,
जितना आप कंपटीशन बढ़ाओगे उतना आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है, दिमाग रखेगा, बायलिंगुअल होगा जितना आप कंपटीशन बढ़ाओगे। मैं किस लिए कर रहा हूं कि आपका कंपटीशन बढ़े, जल्दी से 10 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं आप उन लोग, और स्क्रीन पे आपके कोड है आपको पता ही है, फिर भी आपको 10 मिनट बाद मैं कोड हटा दूंगा स्क्रीन पे से, लेकिन फिर भी ज्वाइन करो सारे के सारे। एक चीज और याद रखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस क्विज को, ठीक है, उसके बाद लाइव टेस्ट में जुड़ेंगे, उसके बाद लाइव टेस्ट में जुड़ेंगे। आखिरी 8 मिनट है, जितने भी बच्चे इधर देख रहे हैं ना, ठीक है, जो भी बच्चा नहीं जा पा रहा ना, ठीक है, जो भी बच्चा नहीं जा पा रहा, एक बार दोबारा मेन टैब अनअकैडमी में जाके मेन टैब पे क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करो, टेस्ट पे क्लिक करो, ज्वाइन किस पे क्लिक करो और ये कोड लगा दो, ठीक है, दिमाग पर रखेगा। 10 मिनट में किसको स्टार्ट करूंगा वेट कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि सारे आएंगे तभी मजा आएगा कॉम्पिटिशन में, ठीक, कॉम्पिटिशन समझो, पेपर समझो, पेपर की फीलिंग आ जाती है भाई एक्सक्यूज में, और तभी बेनिफिट भी होगा। ठीक है बच्चे, 5 मिनट में किसको स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, 5 मिनट में किसको स्टार्ट कर रहा हूं, और मेरे कोर्सेज के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये क्यूज ऑल एग्जाम है भाई, दिमाग में रखना, क्यूज ऑल एग्जाम है, सभी के सभी जुड़ सकते हैं। कोर्सेज का मैं आपको बता देता हूं, जिसका नहीं ज्वाइन हुआ ना वो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लो, और ऐप को अपडेट भी कर लेना सारे के सारे, जिसका नहीं हुआ ना अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है, कोड आपके सामने है, सिर्फ 2 मिनट के लिए कोड रख रहा हूं आपके सामने, 2 मिनट बाद हटा दूंगा मैं इस कोड को। यार जितना स्कोर कर सकते हैं ना उतना स्कोर करना, आपको सब कुछ पता चलता है इसमें कि आपकी कितनी एफिशिएंसी है, कितना आपका स्कोर है। चलिए लास्ट के 2 मिनट और 2 मिनट में किसको स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट के 2 मिनट और 2 मिनट में किसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट के 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए लेट्स क्रैक, करते हैं स्टार्ट, किसको, जितने बच्चे देख रहे हैं आ चुके हैं, किसमें मुझे लग रहा है, उम्मीद है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, किसको स्टार्ट कर रहा हूं, जितने बच्चे हैं आ चुके हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्विज। भाई एक चीज याद रखना, क्वेश्चन को सारे अटेम्प्ट करना, जितने बच्चे देख रहे हैं, क्वेश्चन स्किप मत करना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अगर नहीं मिल पा रहा है, अगर नहीं मिल पा रहा तो अनअकैडमी ऐप ओपन करो। अनअकैडमी ऐप ओपन करने के बाद दोस्त जितने भी बच्चे देखे हैं इस प्रोफाइल को फॉलो कर लेना। मैं आपको कल सुबह क्लास दूंगा, अनअकैडमी फ्री क्लास होगी, उसमें मैं आपको समझा दूंगा अगर आपका ज्वाइन नहीं हो पाता, इन रेयर केस नहीं हो पाता, वैसे तो अभी ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी कोर्सेज भी अवेलेबल है लाइव, जितने भी कोर्सेज है वो सभी इस रेफर कोड को यूज करके हो जाएंगे ज्वाइन, लाइव अमन रेफर कोड यूज करें, ठीक है। कोर्सेज में बेनिफिट बहुत सारे, थ्योरी, ठीक है, थ्योरी कंप्लीटली मिलेगी, कंटेंट क्वेश्चन। 6:30 बजे का कोर्स का टाइम है। कैसे ज्वाइन करना है, मेन टैब पे क्लिक करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है आपको, और मंथ सिलेक्ट करके रेफर कोड यूज करना है लाइव अमन, ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड यूज करना। मैं किसको स्टार्ट कर रहा हूँ, जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक, किसको स्टार्ट कर रहा हूँ, उम्मीद है सारे आ चुके हैं, अभी आ रहे हैं बच्चे, यार और बच्चे आने दो, ठीक है, यार स्टार्ट कर दिया जाए।
स्टार्ट कर दिया जाए क्या? चलिए, उम्मीद है सारे आ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द क्विज। अभी आ रहे हैं बच्चे, साथ के साथ दिमाग पर रखना यार, ये 6:30 वाले कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। कोड आपके स्क्रीन पर रख देता हूँ मैं अभी 2 मिनट के लिए और, ठीक है? ये आपका कोड है, जल्दी से जुड़ जाओ। स्टार्ट भी कर रहा हूँ मैं किसको, ठीक है? किसको स्टार्ट भी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्विज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्विज। जितने बच्चे देख रहे हैं, स्टार्ट कर दिया मैंने किसको, और ये कोड है, लिख लो एक जगह, दोबारा सुन लो। कोड ये है 254809। मेन टैब पे क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करो, अनअकैडमी ऐप पे जाके फिट टेस्ट पे क्लिक करो, ज्वाइन किस पे क्लिक करो, और उसके बाद ये कोड लगा दो। ठीक है, दिमाग को रखिएगा, आज का कोड क्या है, 254809। क्विज आपका फ्री है, स्टार्ट कर चुका हूँ किसको। अब मिलते हैं रात को 9:30 बजे लाइव टेस्ट में। अभी लाइव टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको बस सर्च करना है जीके विद अमन सर। ठीक है, मिलते हैं लाइव टेस्ट में। ठीक है, थैंक यू जुड़ने के लिए। ठीक है, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलेंगे अभी लाइव टेस्ट में। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए सेशन।